जीएचएमसी परिधि के अंतर्गत पुराने शहर के साथ साथ छोटी बड़ी सभी कॉलोनियों में मांग के अनुसार मिनी बसें चलने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करने की बात मंत्री महेंद्र रेड्डी ने कही। आज विधानसभा में पास के समय सभागार में उप मुख्यमंत्री महमूद अली, मंत्री नायनी नरसिम्हा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव, आरटीसी के चेयरमैन सोमारपुर सत्यनारायण आदि के साथ साथ तेरास एमआईएम भाजपा तेदेपा के विधायक, जीएचएमसी आयुक्त जर्नादन रेड्डी, पुलिस आयुक्त महेंद्र रेड्डी, यातायात के डीसीपी रंगनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जीएचएमसी की परिधि में सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली टीएसआरटीसी का विस्तार करके लोगों को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने पर चर्चा की गई। आरटीसी नगर में प्रतिदिन 826 रूटों में से 3519 बसों को चलाते हुए 42,650 ट्रिपों में 33 लाख यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचा रही है। ऐसी स्थिति में नगर में बस स्टैंड तथा बस शेल्टर की स्थापना के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि 2008 के बाद नगर में बस शेल्टरों की स्थापना की जिम्मेदारी जीएचएमसी को सौंपी गई थी। बस रूटों के बोर्ड पुराने शहर में चलने वाली बसों पर तेलुगु तथा अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी लिखने की बात कही गई थी। सभी बस स्टैंडों पर आने जाने का समय पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। सीसी कैमरे लगाने को अधिक महत्व देने की बात भी कही गई है। एमआईएम के विधायकों अफसर खान बलाला तथा जाफर हुसैन द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार पुराने शहर के बंडलागुड़ा में स्थित परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का नाम एमआईएम के दिवंगत नेता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के नाम पर रखने के लिए शीघ्र ही मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित करने की बात भी कही गई है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही 390 बसों की संख्या में और वृद्धि करने की बात कही गई है।